नमस्कार भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हाँ, यदि आप कुछ जानकारी या साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दें। तो भागवान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम किसी भी शाखा को 45 डिग्री से अधिक नहीं झुकाना चाहिए, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के मध्य साझा करने जा रहे हैं। यह अक्सर विशेष रूप से हाई डेंसिटी वाले बगीचे में देखा जाता है कि हम अपनी शाखाओं को, जो पौधे की शाखाएं होती हैं, उनको क्षैतिज जो होती है उससे नीचे झुका लेते हैं, जो बुरा परिणाम भी भागुन वायु आने वाले समय में देता है। सबसे पहला, हमारा जो नर्सरी स्टॉक होता है, नर्सरी का जो प्लांट होता है बागों नहीं हो, इतना मजबूत और मोटा भी नहीं होता है कि हम इसे इस तरह से मोड़ सकें। पेड़ों को झुकाने से पहले पेड़ों के आवंटित स्थान के बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि पेड़ों की जो शाखाएं हैं किस तरह से हमने फैलानी है, कौन सी दिशा में फैलानी है। हमारा लक्ष्य जल्द से जल्द आवंटित स्थान को भरने का भी होना चाहिए। हम दूसरे देश की झुकाने और फैलाने वाली प्रणालियों का अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश में संभव नहीं है, और हमारे टाइप के पेड़ों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारी परिस्थितियां अन्य देशों के बिल्कुल अलग हैं, और साथ ही सिंचाई और पोषण प्रणाली में भी फर्क रहता है। 45 डिग्री से अधिक एक शाखा को झुकाने या फिर फैलाने से यह टर्मिनल ग्रोथ को प्रतिबंधित करता है, और झुकी हुई शाखा के जो सबसे ऊपर वाला बिंदु होता है वहाँ से एक बहुत ही मजबूत जो वाटर शूट होता है उसकी उत्पत्ति हो जाती है, जो अवांछित होता है, जिसका कोई भी काम नहीं होता है। इन वाटर शूट को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। जिस जगह से इस वाटर शूट की उत्पत्ति होती है उस जगह से आगे मुख्य जो ब्रांच होती है बहुत कमज़ोर हो जाती है, उसमें ग्रोथ नहीं होती है। कमज़ोर होने के कारण यह शाखा अपना दायरा पूरा नहीं कर पाती है, और इस समस्या को हल करने के लिए हमें एक नई शाखा को प्रशिक्षित करना पड़ता है, हमें एक नई ब्रांच बनानी पड़ती है। इस बात का असर भागुन भाइयों उत्पादन के साथ साथ फलों की क्वालिटी पर भी पड़ता है। भागुन भाइयों, जब हम ब्रांच को मेन लीडर से 45 डिग्री के कोण के बराबर झुकाते हैं तो इससे भागुन भाइयों पौधे की जो ग्रोथ होती है वो भी होती है, और साथ ही साथ भागुन भाइयों ब्रांच है उसमें बीमों का भी निर्माण होता है, और जो हमारा प्लांट है वो संतुलित बना रहता है। इस तरह से झुकाने से जो क्रॉच एंगल होता है भागुन भाइयों उसमें भी सुधार होता है। यदि 45 डिग्री के कोण से कम हमारा कोण बनता है यहाँ पे मुख्य लीडर और मेन ब्रांच के बीच में, तो इससे क्रॉच एंगल जो है नाजुक होता है, और हैवी लोड के परिणाम स्वरूप अगर फसल ज़्यादा हो या फिर बर्फ ज़्यादा पड़ती है तो यह जो क्रॉच एंगल है भागुन भाइयों यो यहाँ से टहनी टूट जाती है, मेन ब्रांच मेन लीडर से भागुन भाइयों अलग हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। यदि भागवन भाई 45 डिग्री से ज़्यादा क्षैतिज में नीचे को झुकाते हैं, क्षैतिज के नीचे मुख्य शाखा के झुकाने से भागवन भाइयों जो हमारा ब्रांच होता है उसके टॉप पर, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो हमने झुकाया हुआ हिस्सा होता है, जो उसका झुकी हुई टहनी का सबसे ऊपर वाला बिंदु होता है, वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग वाटर शूट निकलता है भागुन भाई, जिसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होती है। जो ये वाटर शूट होता है इसको हटाना भी मुश्किल होता है, अगर हम हटाते हैं तो इसमें कई तरह की बीमारियों के पनपने की संभावना भी रहती है, और ना ही इसमें बीमे भी बनते हैं। अपने ग्रोथ की प्रकृति की वजह से इन वाटर शूट पर बीमों का निर्माण नहीं हो पाता है, बहुत ही कम बीमों का निर्माण होता है, और यदि वे फल का उत्पादन करते भी हैं तो सीधे खड़ी टहनी होने के कारण भागुन भाइयों फसल के वजन से नीचे झुक जाती है और टूट भी सकती है, तो इसका ये नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो भागुन भाइयों,
ज़्यादा टहनियाँ पेड़ों में ओवर डेंसिटी को पैदा करती हैं। यह देखा भी गया है कि कई हाई डेंसिटी वाले बगीचों में हम बीमों के गठन के लिए पेंसिल की मोटाई से भी कम मोटी टहनियों को मोड़ देते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं होती है, फिर भी हम इन्हें मोड़ लेते हैं। हिमालय के क्षेत्र में अधिक धूप की तीव्रता के कारण 45 डिग्री से अधिक शाखाओं के झुकाने से कई बीमारियां पैदा हो जाती है। एक तो हमारी भागवन भाई वाटर शूट निकलता है, और बीमारियों में सन स्कॉल्ड, सनबर्न जैसी बीमारी, पेपरी बार्क, कैंकर जैसी बीमारियां पैदा हो जाती है अगर इससे ज़्यादा हम भागवन भाइयों किसी भी ब्रांच, मेन ब्रांच को झुकाते हैं, तो इस तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है। तो ये थी भागवन भाइयों हमारी आज की महत्वपूर्ण जानकारी कि 45 डिग्री से ज़्यादा अगर हम किसी भी टहनी को झुकाते हैं तो इसका हमारे प्लांट पर किस तरह से विपरीत प्रभाव पड़ता है।